आज ऋतुराज गायकोट ने बताया कि मेरे पीछे कोई 5-7 ओवर वाली क्रिकेट नहीं है, मैं हूं डोमेस्टिक का चैंपियन और आज भी मैं सेट होऊंगा जो मेरा रोल है। लेकिन रोल क्या होता है मैं पूरी दुनिया को खुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोगों को बताना चाहता हूं। और बड़े लोग कह रहे थे कि यार ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में अपने इनिंग्स खेली और बजा दिया घंटा पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का, पूरे का पूरा डंडा दे दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया आज गायकवाड़ ने। किधर गया वो मैक्सवेल, किधर गया पैट कमिंस के बच्चे, बाहर निकल के आना जरा। अभी रिकू हजम नहीं हो रहा था, अभी जयसवाल हजम नहीं हो रहा था, अभी जिस वजह से सूर्य कुमार यादव को बड़ी मुश्किल से हजम किया था, अब ये ऋतुराज आ गया, जो 35 बॉलों के अंदर 101 रन बनाया ऋतुराज गायकोट ने ओनली इन 35 बॉल्स। लेकिन आज ऋतुराज गायकोट शोस कि अगर मारने धाड़ने वाली पार्टियां आउट हो जाए तो मैं इसलिए सेट होता हूँ कि फिर मैं भी बजा सकता हूँ, और जो बजाइए भाई कितने हो गए रन देखिए 222 12। ये तो मेरे घंटे से भी तेज खेलता है ऋतुराज, मेरे घंटे की कोई इनिंग्स मुझे बताओ क्या मेरे बॉबी घंटे ने कोई इस तरह की तेज इनिंग खेली हो, और छनकड़ा इसने तेज इनिंग खेली हुई है। ऋतुराज तो हीरोइक खेल गया भाई यार, क्या खेला, बैट बैट के जो उसने शॉट्स मारे हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलर्स की दुर्गत निकाल दी इसने यार। नहीं 69 यहां पे 10 ओवर में नहीं लगते होते और इंडिया ने 69 रन लास्ट 3 ओवर के अंदर मार दिए, क्या शानदार किस्म का खेल ये लोग पेश कर रहे हैं, मजा आ गया। ये वाली टीम पाकिस्तान की मेन 11 से खिला लो, कसम उठा के कह रहा हूँ पाकिस्तान की मेन 11 को इंडिया की ये साइड हरा देगी, क्योंकि इनके पास ऋतुराज गायकवाड़ किस जैसे लोग हैं बेटा, और आपके पास कौन है वो घंटे का किंग, टुक 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 टुक, किस तरह और लाजवाब किस्म का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इनके यंगस्टर्स, सैल्यूट टू देम, छाए हुए हैं आउट क्लास के हिसाब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जो ऋतुराज गायकवाड़ को हमने पहले जो मैच में हमने कहा था कि भाई वो सेल्फिश इनिंग्स खेलता है, लेकिन आज उन सबको मुंह बंद करके रख दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को आज उन्होंने रोल के रख दिया, एक तरह से कह सकते हैं धो के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, 123 रन वो भी 57 बॉल में, 13 चौके 7 छक्के इसमें शामिल है और 215 रन के जो स्ट्राइक रेट के साथ, और जिस तरीके से तबाही मचाई है ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी 3 ओवर में, क्या ही कहना, आखिरी ओवर में तो मैक्सवेल को इतना पहला है भाई, 31 रन मैक्सवेल को जड़ दिया है जिसमें 3 छक्के शामिल है, ऋतुराज गायकवाड़ आखिर तक टिके रहे और पिलते रहे हर एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़ की। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तो ऋतुराज गायकोट जो है वो ये जानते थे कि उनके लिए सोशल मीडिया पर गेम क्या शुरू हो गई। आज ऋतुराज गायकोट ने बताया कि मेरे पीछे कोई 5-7 ओवर वाली क्रिकेट नहीं है, मैं हूं डोमेस्टिक का चैंपियन और आज भी मैं सेट होऊंगा जो मेरा रोल है। लेकिन रोल क्या होता है मैं पूरी दुनिया को खुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई देखो एक आदमी का होता है इनिंग बिल्डिंग का रोल, लेकिन जैसे ही सूर्या कुमार यादव आउट हुआ है आप चेक कर लो कि नायब कप्तान और मोस्ट सीनियर प्रो ने जिस तरह से गेम शिफ्ट किया है, जितना क्रिटिसाइज किया उससे 4 गुना ज्यादा तारीफ करना। ये पिच इंडियन बैटिंग के मिजाज की नहीं थी। तिलक वर्मा ने कितने रन किए, तिलक वर्मा ने किया को 30+ रन, लेकिन बॉले कितनी ली है, 25-26 बॉले ली होंगी, 23-24 बॉले। तो कहने की बात यह है कि जो भी सेट हुआ, इवन सूर्या अपने स्टैंडर्ड से स्लो खेले इस विकेट पे, 39 किए हैं उन्होंने शायद 25 बॉल्स पे या 28, तो बात यह कि सूर्या तो इतनी बॉलों पे 50 कर देते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट तो आप आराम से एसोसिएट करते हो किंग सूर्या कुमार यादव से, T20 क्रिकेट में किंग है वो, मजाक अपनी जगह होता है, एक दिन रिंकू एक दिन जयसवाल का आगाज, आज ऋतुराज ने ये बताया क्या। लेकिन आज ऋतुराज गायकोट शोस कि अगर मारने धाड़ने वाली पार्टियां आउट हो जाए तो मैं इसलिए सेट होता हूं कि फिर मैं भी बजा सकता हूं, और जो बजाइए भाई कितने हो गए रन देखिए 222 12। आज जो उसका कमाल है वो ये कि जब उसने अंदाजा लगाया 20-22 बॉलों के बाद कि यार अब मेरे पास ना तो सूर्या रहा ना किशन रहा ना ही मेरे पास जयसवाल रहा, जो अगर गायकवाड़ ने 3 विकेट गिरने के बाद जिस अंदाज से अपने आप को यूटिलाइज किया इनके 20-22 बॉलों के बाद, उसने पीछे मुड़के नहीं देखा और फिर ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज से उसने बोलिंग चेंजेस को यूटिलाइज किया अपनी बैटिंग से, यानी कि यार आप अंदाजा लगाए 30 बॉलों में 50 और अगले 20 बॉलों पर उसने 100 कर दिए, ये है कमाल बल्लेबाज का, जहां पर आपको लगता है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइंड सेट जब अटैकिंग होता है आपका भाई तो आप फिर इसी अंदाज की क्रिकेट खेलते हो। आज इंडिया को जरूरत ही 200 रन नजर आ रहे थे जो कि 20 रन एक्स्ट्रा, साफ बोल रहा हूं 170 180 नजर आ रहे थे। आज उसने ये देख लिया कि अब मैं ही हूं क्योंकि 3 विकेटें गिर गईं और जब सूर्या आउट हुआ मैं तो साफ कह रहा हूं 180 से ऊपर जितने रन बन जाते ये तो सोने पे सुहागा कर दिया इन्होंने। जिस तरह की बैटिंग की ऋतुराज गायकवाड़ ने, मैं अब आपने आज ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग देखी होगी, आपने उसकी हिटिंग देखी होगी, आपने उसका टेम्परामेंट देखा होगा, और बड़े लोग कह रहे थे कि यार ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में अपने इनिंग्स खेली और बजा दिया घंटा पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का पूरा डंडा दे दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया आज गायकवाड़ ने। किधर गया वो मैक्सवेल, किधर गया पैट कमिंस के बच्चे, बाहर निकल के आना जरा। ये विराट कोहली ने नहीं इनिंग्स खेली, ये रोहित शर्मा ने नहीं इनिंग्स खेली, ये केएल राहुल ने नहीं इनिंग्स खेली, ये ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है। ये अभी इंडिया का आगे फ्यूचर स्टार है,
ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा टैलेंट है और एमएस धोनी के हाथों से निकला हुआ बंदा बेटा कुछ करे ना ऐसा हो नहीं सकता। तो जिसकी तरबियत एमएस जैसे लेजेंड क्रिकेटर ने की हो वो बजा देते हैं पकड़ के 123 नॉट आउट करें ऑस्ट्रेलिया आगे, नहीं ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा करे ना 123 आगे। ये इंडिया की यंग आईपीएल की टीम है वो बदला ले रही है आगे, भाई दूसरे बदला लेते ना तो फिर भी अलग बात थी। अभी कुछ लोग आएंगे और यार जीत गया इंडिया जीत गया तो घंटे गए बच्चों, ये देखो बदला ले कौन रहा है, सामने ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम है और दूसरी तरफ इंडिया का आईपीएल का यंग टैलेंट है, मतलब आईपीएल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, बात तो वो होगी कि आप फाइनल जीत गए हो और अपने आप को बड़ा 30 महान समझ रहे हो और रिंकू सिंह पकड़ा नहीं जाता आपसे, तिलक वर्मा नहीं पकड़ा जा रहा, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं पकड़ा जा रहा, जयसवाल नहीं पकड़ा जा रहा आपसे, और आप लोगों की बातें सुन लो। पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट क्यों नहीं निकल गया था, क्यों नहीं पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट निकल गया था, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है ही नहीं, हमारे पास छनकने पड़े हुए हैं, उनको बजा लो आगे, उन पे बैठ के झूले ले लो, उसके अलावा तो पड़े कुछ नहीं हुआ, क्या पड़ा हुआ पाकिस्तान के पास, मेरा घंटा पड़ा हुआ यार। आप ऊपर से देखो आज तो इंडिया प्रेशर में भी आ गया था, दो विकेटें जल्दी गिर गई थी, बाबर आजम घंटा नहीं था खेल रहा कि टुक टुक शुरू कर देता, दो विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी टीम इंडिया ने वैसे ही अपनी जो है वो अप्रोच रखी, वैसे ही अपनी अप्रोच रखी, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने आके पहले इनिंग को संभाला, फिर सेट हुआ, फिर टाइम लिया और फिर ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया, निकालो इस तरह के बंदे निकालो ना, और निकालो मेरे घंटे के किंग्स, ये तो मेरे घंटे से भी तेज खेलता है ऋतुराज, मेरे घंटे की कोई इनिंग्स मुझे बताओ क्या मेरे बॉबी घंटे ने कोई इस तरह की तेज इनिंग खेली हो, और छनकड़ा इसने तेज इनिंग खेली हुई है। ये वाली टीम पाकिस्तान की मेन इलेवन से खिला लो, कसम उठा के कह रहा हूं पाकिस्तान की मेन इलेवन को इंडिया की ये साइड हरा देगी, क्योंकि इनके पास ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जयसवाल, रिंकू सिंह, इस जैसे लोग हैं बेटा, और आपके पास कौन है वो घंटे का किंग, टुक 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 टुक, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट अय्यर, राहुल, जडेजा, बुमराह, कुलदीप, शामी, अक्षर, सॉरी उसके बाद जडेजा, सिराज, नो शामी, नो बुमराह, राइजिंग स्टार, क्या शानदार ये खिलाड़ी है और क्या शानदार इसने बल्लेबाजी की है, बड़े लोगों के दिल सड़ने वाले है, बड़े लोगों के दिल सड़ने वाले, क्योंकि एक से भरकर एक प्लेयर निकले जा रहा है, इधर एक प्लेयर अभी हजम नहीं होता तो दूसरा खिलाड़ी पता नहीं कहां से उड़कर आ जाता है और तो खीर मचा दी हुई है, पहले मैच में रन आउट होने वाला, दूसरे मैच में 50 करने वाले ने तीसरे मैच के अंदर अपना मेडन सो मारा, क्या शानदार किस्म का सो मारा, 123 रन, 50% रन उसने आज टोटल के अंदर स्कोर कर दिए। ऋतुराज, हम कह रहे हैं कि इंडिया का रिंकू सिंह बड़ा अच्छा फिनिशर है, लेकिन ऋतुराज ने जिस किस्म का फिनिश किया है, लास्ट 3 ओवर के अंदर इंडिया ने 69 रन मारे हैं, 69 यहां पे 10 ओवर में नहीं लगते होते और इंडिया ने 69 रन लास्ट 3 ओवर के अंदर मार दिए, क्या शानदार किस्म का खेल ये लोग पेश कर रहे हैं, मजा आ गया। अभी रिंकू हजम नहीं हो रहा था, अभी जयसवाल हजम नहीं हो रहा था, अभी जिस वजह से सूर्य कुमार यादव को बड़ी मुश्किल से हजम किया था, अब ये ऋतुराज आ गया, ऋतुराज ने जो बल्लेबाजी की है लास्ट ओवर मैक्सवेल को दे दिया, मैक्सवेल को उसने सही जैसे कहते ना माइनों में रगड़ा लगाया, मैक्सवेल को पता चला कि भाई ये हाल होता होता है, मैक्सवेल को मधोल के रख दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बड़े अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए, लेकिन हमेशा से ये हमें प्लेयर इस ट्रैक का नहीं मिलता जो पहली बॉल से शुरू हो और जब वो लास्ट में खेले तो उसका ये हक बनता है, फिनिश करे ना वो हाई लेवल के ऊपर करे, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं और 40-50 बोले खेलते हैं 60-70 मार जाते हैं, लेकिन जब आपने 40-50 बोले खेले तो फिर आपका काम बनता है कि आखिरी ओवर्स भी खेलो और इस तरह का फिनिश करो, जिस तरह से आज ऋतुराज गायकवाड़ ने फिनिश किया है, 16-17 ओवर तक ऋतुराज की एक नॉर्मल इनिंग्स थी, लेकिन जो आखिरी 3 ओवर उसने बल्लेबाजी की है ना उसने अपनी इनिंग्स को एक वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश इनिंग्स बना के रख दी, ये कोई आसान चीज नहीं होती, 57 बॉल्स के ऊपर 10 चौके 7 छक्के मार के 215 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, शानदार। अगर आप लोग केशव जयसवाल का फेटा देख के बोर हो चुके थे, अगर आप लोग सूर्य कुमार यादव का फेटा देख के बोर हो चुके थे, और अगर आप लोग की उम्मीदों का मरकज ऋतुराज गायकवाड़ थे, कब छक्के से सेंचुरी करनी है और पीछे पलट के नहीं देखना, 57 बॉलों में 123 रन, ऋतुराज गायकवाड़ सेट द स्टेज ऑन द फायर, एंड ये सेंचुरी लगाई, सैकड़ा लगाया, और किस तरीके से लगाया, मतलब T20 में सेंचुरीज लगती हैं, लीग में सेंचुरीज लगती हैं, लेकिन तरीकाकार आपको देखना होता है कि सेंचुरी लगाई किस तरह जाए, जो 35 बॉलों के अंदर 101 रन बनाया ऋतुराज गायकवाड़ ने ओनली इन 35 बॉल्स, एंड व्हाट एन अमेजिंग हिटिंग, मतलब ना पलटा ना झुका, और जिस कंट्रोल, जिस किस्म का कंट्रोल था, ये वो मैच्योरिटी आपको शो करती है कि एक लड़का जब पूरे ग्राइंड से गुजर के आ रहा होता है और उसको प्रॉपर मौका मिल रहा होता है, और जब उसको मौका मिलता है उसको पता होता है ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने ऋतुराज गायकवाड़ की जमकर तारीफ की और बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो मैच था उन्होंने डक पे आउट हो गए थे ऋतुराज गायकवाड़, और फिर दूसरे मैच में जो ऐसा एक हाफ सेंचुरी उनसे देखने को मिला कि सभी ने उनको क्रिटिसाइज किया, कमेंट किया उसके ऊपर कि भाई ये तो सेल्फी से नहीं खेलता है, ये तो टुक टुक राज है ऋतुराज को, ये हद तक बोलने की शुरू मतलब कर दिया था लोगों ने, लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ ने सबको प्रूव कर दिया कि भाई जयसवाल अपनी जगह है, रिंकू अपनी जगह है, और मैं भी अपनी जगह हूं, जब मैं अपना बल्ला चलाता हूं तो भाई मेरे सामने भी कोई नहीं टिक नहीं पाता, मुझको आपको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा।
करेगा, क्योंकि मैं ऐसे उठकर नहीं आ गया हूं, मैं अपने टैलेंट से आया हूं। जब मैं सीएसके में था तब भी मैं परफॉर्म करके दिखा रहा था, अब इंडियन टीम में भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और सभी जो हेटर्स थे ऋतुराज गायकवाड़ की, आज उनके मुंह में थोड़ी बहुत दही जम गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने आज परफॉर्मेंस करके दिखाया, एक वन वन आर्मी शो था आज, सभी आज फ्लॉप रहे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जब मतलब एंड तक खड़े रहे और ऑस्ट्रेलियन की सभी बॉलर को नेस्तनाबूद करके रख दिया। और कह सकते हैं इंडिया ये मैच अगर जीता तो ऋतुराज गायकवाड़ के रन से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पहले पहले बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही थी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी। मैक्सवेल भी आखिर तक लड़े, लेकिन आखिर में जीत इंडिया की हुई, और तारीफ करना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को जितना भी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबाइए। ऋतुराज गायकवाड़ की सफारी को लेकर आपका क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।